चलो भाई इस एपिसोड में थोड़ी राहत मिली, लेट्स गो बाय द ऑर्डर। यहाँ पास्ट टाइमलाइन दिखाया है इन 1955, एक पार्टी में डॉक्टर कीको एंड ली शाओ हैंग आउट करते हैं एंड देयर इज अ डाउट, और डाउट ये है कि हिरोशी रेंडा ली शाओ के लिए बेटे से बढ़कर है या बेटा ही है। पार्टी में दोनों क्लोज नजर आते हैं, ली शाओ काफी प्रोटेक्टिव दिखाई देता है फॉर डॉक्टर कीको इन द नेम ऑफ जॉब। उस पार्टी में नए आर्मी ऑफिशियल्स देखे गए हैं, लेकिन पीठ पीछे इनका रोल एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। बिल दोनों को लैब में बुलाता है आफ्टर रिसीविंग सम रिपोर्ट्स। डॉक्टर कीको ने ये सारी रीडिंग्स नोट की थी जब गॉडजिला फिलीपींस में था, और वही सेम रीडिंग्स जापान से आती हैं। वहीं दूसरे साइड मोनार्क का बजट फाइनलाइज होने वाला था, पर जॉब इज जॉब, दे लीव फॉर जापान। और वहीं पे सुजुकी मिलता है जिसने रिपोर्ट्स भेजी थी, एंड ही सेज वेलकम टू मॉन्स्टर आइलैंड। शायद रिपोर्ट्स की वजह से एक्साइटमेंट में बोला होगा, या फिर ये एक ईस्टर एग हो सकता है क्योंकि गॉडजिला कॉन्सेप्ट जापान में बना है। सुजुकी ने गामा रेडिएशन सिमुलेटर बना लिया था, जितना उसका डिवाइस सिग्नल सिमुलेट करेगा उतना ही उसको रिप्लाई बैक मिलेगा फ्रॉम टाइटन। ली शाओ को मोनार्क बजट के लिए रुकना था, पर ली शाओ जनरल पकेट से परमिशन मांगता है टू गो टू जापान, और जनरल समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ऑफर्स के बाद भी ली शाओ जापान आ जाता है। कीको बोलती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो बाद में पता चलेगा क्यों। कीको और ली के बीच में नजदीकी और बढ़ चुकी थी। उसके बाद गॉडजिला अपीयर होता है। अब यहाँ कीको रिलैक्स फील करती है एंड ली शाओ अपसेट। ली शाओ डिसाइड कर लेता है जनरल को गॉडजिला के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो इसी शर्त पे आया था, सिर्फ खाली हाथ ना आने के लिए। एंड टर्निंग पॉइंट इज जिन ऑफिशियल्स को हमने पार्टी में देखा था वही ली शाओ के पीठ पीछे मोनार्क में काम कर रहे थे जनरल के ऑर्डर्स पे। दे नो एवरीथिंग जो अभी रेंडा कीको और ली शाओ ने छुपाया था। कमिंग टू द प्रेजेंट, वहाँ पे गार्ड और ली शाओ का कन्वर्सेशन होता है एंड इट्स ऑल अबाउट नोइंग मोर देन मोनार्क। एक और इमरजेंस होने वाला है, उसका सलूशन सिर्फ ली शाओ को पता है। ली शाओ क्लेम करता है मोनार्क सब कुछ जानता है सालों से, और वो बता भी रहा है पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। गार्ड यहाँ ली शाओ की हेल्प करते हुए बोलती है जंजीरा जापान में उसकी बहन सैंड्रा इवेंट में जा चुकी है। गार्ड ने मोनार्क ज्वाइन किया सोचकर अब ऐसा कभी नहीं होगा न होना चाहिए, और उसके जैसे कई लोग इंतजार कर रहे हैं इस चांस का, और सही आदमी सिर्फ ली शाओ है फॉर द मिशन, और मे के साथ यहाँ प्रैंक हो जाता है। ली शाओ एंड मिशेल यानी गार्ड तीनों को अपना प्लान बताकर अफ्रीका निकल जाते हैं। टिम एंड वर्डुगो भी अपने लॉजिक से पता लगा लेते हैं अबाउट करंट लोकेशन ऑफ हिरोशी। टिम एक्चुअली एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करता है टू ट्रैक डाउन हिज पाथ, और हिरोशी को मोनार्क से निकाल दिया गया था बिकॉज वो डीप स्पेस सैटेलाइट्स यूज करता था इलीगली टू ऑब्जर्व गामा रेज। वही रीडिंग्स कीको एंड सुजुकी ने भी नोट डाउन किए थे, और इन्हीं सबका कच्चा चिट्ठा इकट्ठा होकर तैयार होता है एक मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन में। मे और मिशेल की नई डील में तय होता है इस मिशन के बाद उसको घर भेज दिया जाएगा, और इसकी गारंटी वो खुद लेती है, और पांचों एक्स मोनार्क टीम से होते हुए हिरोशी को देखते हैं। दैट पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहां थोड़ी राहत मिली। हिरोशी के पास कुछ सिमिलर डिवाइस होता है लाइक सुजुकी, और हिरोशी वाज वेविंग देम ऑफ, दैट मींस वो डिवाइस की मदद से गॉडजिला को भटका रहा है, एंड गॉडजिला उनके बगल में बड़े आराम से उठता है, एंड आई थिंक वो काफी समय से उधर था क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी चट्टान जमा हो गए थे। वही गॉडजिला केट को देखता है एंड केट वाजंट दैट स्केर्ड। आफ्टर दिस मे एक्सेप्ट करती है व्हाट शी डिड बिहाइंड देम। मे अपना सच बताती है लाइक वो एक अमीर घराने की लड़की है और वो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, बट केट ज्यादा डिसअपॉइंटेड है देन केंतारो। VFX यार जस्ट मक्खन, वाटर शाइन ऑन गॉडजिला इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इवन डेजर्ट सीन भी तुम इमेजिन नहीं कर सकते, वो एक लाइव लोकेशन से पूरे डस्ट एंड स्टोन का VFX क्रिएट किया है ऊपर से गॉडजिला। मॉन्स्टर वर्स VFX नेवर डिसअपॉइंट्स। सो ली शाओ और कीको शुरुआत में ऐसे होंगे क्योंकि तब कीको चली गई, तब रेंडा कीको शादी कर चुके थे, और मैं भी ली शाओ की गलती से कीको रिलेशनशिप के बारे में भूल गई, एंड दिस कुड बी द केस। वेल दिस एपिसोड वाज फॉरवर्ड मूविंग, प्लस मिशेल को भी इस रेस में जोड़ देता है, और अभी तक रिवील नहीं किया है ली शाओ जानता क्या है, शायद 9th एपिसोड में रिवील करेंगे बिकॉज 10th एपिसोड इज अ फिनाले। आई एम कॉम्सिस्ट, सपोर्ट मी बाय हिटिंग द रेड बटन। विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।